अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44। नमस्कार, आप देख रहे हैं News 44। मैं हूं भावना शर्मा आपके साथ। पॉन्डमैन के नाम से लोकप्रिय कर्नाटक के कलमाने कामेगौड़ा का सोमवार को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कलमाने कामेगौड़ा ने अपने जीवन में 16 तालाबों का निर्माण किया था। जल संरक्षण की दिशा में उनके प्रयासों के लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम ही रहेगी। उन्होंने पानी के संरक्षण के लिए मांड्या जिले और उसके आसपास तालाबों का निर्माण किया था। उनके द्वारा तालाबों का निर्माण करके जल संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी प्रशंसा की थी। उन्होंने कर्नाटक के मांड्या जिले के मालवल्ली तालुक में अपने गांव के पास बंजर पहाड़ियों के 16 से अधिक तालाब बनाए और 2000 से अधिक पेड़ भी लगाए। कहा जाता है कि मालवल्ली क्षेत्र के कई जानवरों और पक्षियों को इन तालाबों से लाभ हुआ है। कामेगौड़ा को उनकी पर्यावरणीय सक्रियता के लिए स्थानीय गांव वालों में आधुनिक भागीरथ के रूप में भी जाना जाता था। कामेगौड़ा एक असाधारण व्यक्तित्व वाले एक साधारण किसान थे। उन्होंने एक व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल की है। उनका यह जज्बा तो किसी को भी अचंभित कर देने के लिए काफी है। कलमाने कामेगौड़ा के परिश्रम के लिए पीएम मोदी को भी ये बोलना पड़ा था कि पूरे क्षेत्र को जीवन का एक नया पट्टा मिला है ये तालाब। श्री कामेगौड़ा को 2018 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने उन्हें आजीवन मुफ्त पास की सुविधा भी दी थी। उनके निधन की इस दुखद खबर पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि मातृभूमि ने अपने एक सच्चे और अनमोल बेटे को खो दिया है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 44। नमस्कार। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44।